हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खाना ख़जाना में मैं आज बनाऊंगी चिकन अचारी बिरयानी की रेसिपी और ये दिल्ली की फेमस बिरयानी है। तो चलिए बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लेग पीस में बड़े बड़े से कट लगा लिए हैं। मैंने यहाँ पर कट इसलिए लगाए हैं ताकि जो सारा मैरिनेशन है वो चिकन के अंदर तक अच्छे से ऐड हो जाए। तो चलिए मैं आपको बाकी की इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ बिरयानी बनाने के लिए 1 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और मैंने यहाँ पे बिरयानी का मसाला तैयार करने के लिए 1 teaspoon ज़ीरा लिया है, 1 teaspoon सौंफ लिया है, 4 से 5 लौंग लिए हैं और 4 से 5 काली मिर्चें ली हैं, 3 मैंने बड़ी वाली इलायची ली हैं, 3 तेज़पत्ते लिए हैं, यहाँ पर थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा लिया है। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी का मसाला तैयार करने के लिए सामान लिया है, इसको हम एक साइड रख देंगे। और अब मैंने यहाँ पे लिए हैं चावल, तो मैं यहाँ पे पक्के वाले चावलों का यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 3 glass चावल लिए हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने इस वाले ग्लास से मेज़रमेंट करके 3 glass चावल लिए हैं और चावलों को मैंने भिगो के रख दिया है। तो मैंने चावलों को यहाँ पर 1 घंटे तक आराम से भिगोने के लिए रख दिया था। कम से कम आधे घंटे तो चावल भीगे हुए होने चाहिए, जितने अच्छे से चावल भीगे हुए होंगे उतनी अच्छी बिरयानी बनके तैयार होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चावलों को प्रिपेयर करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लिया है वेसल, तो देखिए वेसल के अंदर हमें इतना पानी ऐड करना है, चावलों से डबल पानी हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर चावलों को पसारूँगी, यानी हमें इसे 80% तक पानी में अच्छे से गलाना है। तो देखिए यहाँ पर पानी के अंदर मैं ऐड करूँगी 5 से 6 लौंग और 5 से 6 यहाँ पे ऐड करूँगी काली मिर्चें और मैं यहाँ पे 3 बड़ी वाली इलायची ऐड कर रही हूँ, 2 teaspoon मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक आप खूब ज़्यादा सा ऐड करें क्योंकि यहाँ पे जो नमक है वो चावलों में अच्छे से अंदर तक ऐड हो जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पर 1 teaspoon केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ, केवड़ा वाटर से बहुत ही अच्छी खुशबू ऐड हो जाती है इसमें। और यहाँ पे मैं 1 तेज़पत्ता ऐड करूँगी इसमें और अब मैंने यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम इसमें एक बॉईल आने तक पकाएंगे ताकि जो नमक है और सारे मसाले हैं उसका फ्लेवर जो है पानी में अच्छे से ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें बॉईल आ रही है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि नमक जो है वो सरफेस पे लग जाता है, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब पानी जो है एकदम परफेक्टली अच्छे से गर्म हो गया है। इसके बाद यहाँ पर मैं चावल ऐड करूँगी, जो मैंने चावलों को 1 घंटे से भिगो के रखा था उसका पानी मैंने साइड कर दिया है और उसके बाद चावलों को मैंने वेसल के अंदर ऐड कर दिया है। ये पक्के चावल हैं, इसको आराम से आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कच्चे चावलों को ज़्यादा नहीं चलाया जाता है। और अब मैंने वेसल का ढक्कन जो है हाफ लगा दिया है। चावलों को हमें यहाँ पे 80% तक पकाना है, तो जब आप मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे उसके बाद हम चावलों को चेक करेंगे, बस हल्की सी कसर रह जाएगी चावलों में, हमें बस इतना पकाना है इसे। तो देखिए चावल जो है 80% तक गल गए हैं और मैं भी आपको चेक करके दिखाऊंगी। चावलों में बस हल्का सा कन रह जाना चाहिए, बस दम लगाने के लिए इसमें रह जाना चाहिए, बाकी जो चावल हैं वो पक गए हैं 80% तक। और अभी मैं इनको पसार लूँगी, यानी इसका जो पानी है उसको स्ट्रेन कर लेना है, पानी से अलग कर देना है चावलों को। तो चलिए अब हम बिरयानी की आगे की प्रिपरेशन करते हैं स्टार्ट। तो बिरयानी का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्चें, बस तेज़पत्ते को हम हटा के रख लेंगे और बाकी बिरयानी का मसाला तैयार कर लेंगे हम। और इसके बाद हमें यहाँ पे 2 cup दही लिया है, तो देखिए मैंने 2 cup दही लिया है एक बाउल में। सबसे पहले दही को फेंट लेंगे,
उसके बाद यहाँ पे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और यहाँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, मैं यहाँ पे 1 टीस्पून करीब ऐड कर रही हूँ केवरा वाटर और यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, क्योंकि चिकन अचारी बिरयानी जो होती है आपने खाई होगी, इसमें चिकन के जो पीसेस होते हैं ये ऑरेंज कलर के होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कलर ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बिरयानी का मसाला। और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बिरयानी के मसाले में मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून सौंफ, 5 से 6 काली मिर्ची और 5 से 6 लौंग ऐड किए हैं। और वो सारी चीज़ों को मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया है। और अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से फेंटने से दही जो है वो फटता नहीं है, इसलिए पहले इसको आप अच्छे से फेंट लें ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से फिट गए हैं और अब हम इसको साइड करके रख देंगे और अपनी आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मैं एक वेसल के अंदर यहाँ पे 4 तेज़ पत्ते ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे 4 फुल साइज़ की प्याज को मैंने एकदम फाइनली कट करके इसमें ऐड किया है। प्याज को हमें बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है, यानी हमें प्याज का कलर ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। तो देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर चिकन ऐड करूँगी। देखिए चिकन पूरा 1 kg है और मैंने अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड कर दिया है। चिकन को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक हमें भूनना है प्याज के साथ। और मैं इसको हाई फ्लेम पे भून रही हूँ ताकि जल्दी से भून जाए। तो देखिए चिकन यहाँ पे अच्छे से भुन गया है। अब यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड की हैं जिन्हें बीच में से मैंने कट कर लिया है और फिर इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पे। और अब मैंने जो दही में सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने ऐड किया है। अब यहाँ पे सारे मसालों को अच्छे से भूनना है और हमें इसमें पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे दही बहुत ज़्यादा लिया था। तो दही में ही चिकन को अच्छे से गलाएंगे। तो देखिए बाउल में जो मसाला रह गया था वो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके ऐड कर दिया है इसमें और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। अभी हम चिकन को यहाँ पर अच्छे से भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चिकन के पीसेस में जो है कलर बहुत अच्छा सा ऐड हो जाएगा। चिकन अचारी बिरयानी जो होती है इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और अभी हमें इसे चिकन को अच्छे से भूनना है और जब आप इसे अच्छे से भून रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको अचार ऐड करना है। यहाँ पे आपको हरी मिर्च का अचार ऐड करना है। तो मैंने ये बाहर जो आसानी से मिल जाता है मार्केट में, तो मैंने यहाँ पे अचार को ऐड किया है, हरी मिर्च के अचार को 1 टीस्पून हरी मिर्च के अचार को ऐड किया है। अचार अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखी पसंद है तो अचार थोड़ा ज़्यादा ऐड करें, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर थोड़ा कम अचार ऐड किया है। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ
नमक को हमें बाद में टेस्ट भी करना होता है। नमक ऐड करने के बाद भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लें इसको। चिकन बहुत ही अच्छे से रेडी हो रहा है। और अब मैं यहाँ पे 3 हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चों को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। और अब मैं चिकन के अंदर ऐड कर रही हूँ चावलों को। जो मैंने चावल पसार के रखे थे वो मैंने चिकन के अंदर ऐड कर दिए। इसके ऊपर पूरी एक लेयर बना दी है मैंने चावलों की। और अब मैं यहाँ पे मैंने थोड़े से रेड फूड कलर को ऐड किया है। यहाँ पे आप रेड फूड कलर भी ले सकते हो, ऑरेंज फूड कलर भी ले सकते हो। तो थोड़े से मैंने 2 पिंच करीब रेड फूड कलर को पानी में अच्छे से मिक्स करके ऐड किया है इसमें। और चिकन अचारी बिरयानी में थोड़ा सा अचार जो है ऊपर से भी स्प्रिंकल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून करीब अचार यहाँ पे भी ऐड किया है। और इसके बाद बस एक दम लगाना है चावलों में, 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। तो देखिए मैंने 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको पका लिया है और चावल जो है अच्छे से तैयार हो गए हैं। चिकन अचारी बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। और अब मैं इसको सर्व करूँगी। और मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि चावल किस तरीके से एकदम खिले खिले बने हैं। और ये जो बिरयानी है ये बहुत ही स्पाइसी होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसमें अचार का फ्लेवर जो है बिरयानी के टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।